2024 के विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ होने की संभावना को देखते हुए चुनावी गर्मी आनी शुरू हो चुकी है। हरियाणा की 15 हॉट सीट में शुमार, पानीपत ग्रामीण सीट में चुनाव स्थिति दिलचस्प है और यहां तो अभी उल्टी गंगा बह रही है। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के आधा दर्जन संभावित उम्मीदवार जहां पार्ट टाइम पॉलिटिक्स से अपना किला मजबूत रखना चाह रही है। रिपोर्ट देखिए। प्रदेश की 90 में से 15 होट सीट्स में शुमार, पानीपत ग्रामीण विधानसभा सीट पर अभी बीजेपी के संभावित उम्मीदवार पूरा दमखम दिखा रहे हैं, पर कांग्रेस में टिकटार्थियों की लाइन लंबी है। यहां उल्टी गंगा बहती दिख रही है, जहां विपक्ष खासकर कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों को ज्यादा मेहनत, मुद्दों की समझ और वोटर से जुड़ाव की दरकार है, वहीं ये पार्ट टाइम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पार्टी से ज्यादा अपनी टिकट की लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस में पानीपत ग्रामीण से आधा दर्जन से ज्यादा दावेदार टिकट के लिए मैदान में हैं, पर अभी कोई मजबूत उम्मीदवार सामने नहीं है, क्योंकि यहां हुए 3 विधानसभा चुनाव में अभी कांग्रेस एक बार भी नहीं जीती, लेकिन इस बार भी मुकाबले में दिख रही है। माफी को मांगनी चाहिए बेरोजगारी के लिए, ये हमें समझना। इसके विपरीत बीजेपी के मौजूदा विधायक और हैट्रिक की लाइन में लगे महिपाल ढांडा फुल टाइम पॉलिटिक्स करने के कारण अपना जनसंपर्क मजबूत किए हुए हैं। उनका दावा है कि 2014 में विधायक बनने के बाद उन्होंने हरियाणा में खुला दरबार लगाने की शुरुआत की थी, जो आज भी कायम है। इससे वो आसानी से सुलभ ही नहीं, वोटर से उनका सीधा जुड़ाव रहता है। कि खरखोदा में एक बहुत बड़ा हमारा मारुति का प्रोजेक्ट आ रहा है और भी अन्य कहीं हरियाणा प्रदेश में प्रोजेक्ट है जो बाहर से विदेशी जो निवेश होने वाला है, उसके लिए हमारे पास मैन पावर उपलब्ध है क्या? जिस प्रकार के लोगों की हमें आवश्यकता है, स्किल्ड मैन पावर, इसकी जो आवश्यकता है इसको तैयार करने के लिए हम लोगों को जो जो इंस्टीट्यूशन चाहिए हैं, जो उसमें काम करने वाले, जो एजुकेशन देनी है उनको, वो देनी है। मैं समझता हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट इशू आज मुख्यमंत्री के सामने उठा है। बीजेपी के ही एक निगम पार्षद विजय जैन भी पब्लिक में रहने के कारण अपनी महत्वाकांक्षा का खुलकर प्रचार कर रहे हैं। मैंने पानीपत की जनता के हितों की लड़ाई लड़ी थी और मैंने अवगत कराया था कि जिस तरह से निगम में प्रॉपर्टी आईडी को लेकर के लोग धक्के खा रहे हैं। आप फाइल लेके जाओ, 6 महीने तक के खाओ, नहीं बनती है, और आप पैसे दे दो, आप 4 दिन में बन जाती है। तो इस तरह का ये सारा भ्रष्टाचार हमें खत्म करना है। गौरतलब है कि पानीपत ग्रामीण सीट में शहर की एक दर्जन संभ्रांत कॉलोनियां और सेक्टर्स हैं, साथ ही 42 गांव भी सीट में शामिल हैं। करीब 2.5 लाख वोटर्स वाली इस विधानसभा सीट में 1 लाख वोटर्स यूपी और बिहार के प्रवासी मजदूर हैं। मुख्य मुकाबला अभी बीजेपी और कांग्रेस के बीच लग रहा है। हालांकि 2019 के विधानसभा चुनाव में जजपा उम्मीदवार भी यहां अपनी ताकत दिखा चुके हैं। इस बार के चुनाव दिलचस्प होंगे, पर अभी अपनी फुल टाइम पॉलिटिक्स के कारण बीजेपी के पास एज है। पानीपत ग्रामीण विधानसभा सीट का प्रवाह पानी की तरह तेजी पकड़ रहा है। ये तो है कि गर्मी अब आनी शुरू हो गई है, क्योंकि विधानसभा चुनाव लोकसभा के साथ होने की संभावना दिख रही है। जिंदाबाद जिंदाबाद। सहयोगी श्रीनिवास के साथ वीरेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज़, पानीपत ब्यूरो।